और सीओसी के इंटरेस्टिंग एपिसोड में ये रोड टू मैक्स TH11 का एक कोर पार्ट है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो CWL अभी एंड हो चुकी है हमारे। एंड गाइज आखिरी CWL हम कुछ परसेंटेज से हार गए। अगर मैं आपको वॉर इन्फो दिखाऊं तो गाइज केवल 0.20% से हम ये वाली वॉर हार गए, बाकी तो सारी वॉर विन करी हमने। सीजन इन्फो में अगर मैं आऊं तो हमारा क्लेन नंबर वन रहा, पोजीशन नंबर वन रही। एंड हमारा क्लेन यहां पर प्रमोट हो चुका है वापस से मास्टर 3 पे। एंड सीजन रिजल्ट में यहां पर हमारे को मिल चुके 280 मेडल्स। तो चलिए ड्यू बोनस पे क्लिक करते हैं एंड यहां पर अपन सेलेक्ट कर लेते हैं जिन्होंने अच्छा अच्छा प्लस 75 जिनको देने हैं, जिन्होंने अच्छा अच्छा करा एंड उनको मैं यहां पर दे देता हूं। एंड गाइस कितनों को दे सकता हूं मैं? ओके काफी ज्यादा जनों को तो मैं दे ही सकता हूं। तो चलिए यहां पर इसको आउट कर लेते हैं पीयूष को एंड एक अपन डार्क डेविल भाई को दे देते हैं। एंड बाकी तो बाकी किसको दिया जाए गाइज? एंड मैं मेरे अकाउंट में जिससे वॉर मैंने प्ले करी मैं उनमें ले लेता हूं, ठीक है। एंड और तो सेलेक्ट कर नहीं सकते, तो चलिए अब यहां पर मैं गिव बोनस कर देता हूं। एंड ओके गाइज यहां पर 75 इन सभी को और भी मिल चुका है मेडल्स, तो मेडल यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। एंड गाइज यहाँ पर मेरे पास अब टोटल ओवरऑल 402 यहाँ पर हो चुके हैं, जिससे मैं परचेस करने वाला हूँ यहाँ पर हैमर ऑफ हीरो का परचेस करेंगे। एंड हैमर ऑफ हीरो से मैं अभी अपडेट करूंगा अपने किंग को, जितना भी आगे लेवल अपन लेके जाते हैं देखते हैं कितने हैमर अगर अपन परचेस कर पाएंगे। 402 है तो 165 का एक है, तो मे भी मेरे को 3 परचेस तो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि 2 ही कर पाऊंगा। 165 में 3 तो 495 होते हैं, तो ठीक है 2 परचेस करते हैं। 49 का किंग में अभी अपडेट करने वाला हूं, अभी 46 का है। तो अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो मेरे को पहले बिल्डर फ्री करना पड़ेगा, जो कैनन है उसको मैं बुक ऑफ बिल्डिंग से अपग्रेड कर देता हूं। ये वाली कैनन मेरी मैक्स हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं किंग को अपडेट पे डालता हूं, यहां पर 188,000 डार्क लेजर मांग रहा है, डैम दे दिया। एंड अभी अपने पास बुक ऑफ हीरो है, तो बुक ऑफ हीरो का मैंने यूज कर लिया, तो गाइस यहां पर मैंने कर लिया है किंग को लेवल 47 का, तो काफी अमेजिंग है। एंड चलिए अब यहां से अपन परचेस करते हैं हैमर ऑफ हीरो को। एंड डैम एक हैमर ऑफ हीरो अपन ने परचेस कर ली। बारबेलियन किंग को अब अपडेट करने वाले अपन 48 लेवल, सो अमेजिंग गाइस, अमेजिंग मूवमेंट। एक और लेवल में अभी बढ़ाने वाला हूं बारबेलियन किंग का। नाउ गाइस 3-2-1 डैम गाइस 49 लेवल का क्वीन मैंने किंग कर लिया, सॉरी। एंड बस क्वीन 50 की हो चुकी है, किंग 49 का हो गया। तो हीरोज काफी अच्छे से मैं मैक्स आउट करने की तरफ लगा हुआ हूं, केवल अब एक और मेरे को करना है, एक लेवल और अब मेरे को करना है, देन काफी अच्छा हो जाएगा। एंड अभी मेरी आर्मी रेडी है, मैं अभी टाइटन लीग 1 को भी हिट कर चुका हूं, तो ऑलमोस्ट 250 ट्रॉफीज और चाहिए लेजेंड लीग के लिए, तो वहां भी अपन पहुंचने ही वाले हैं। एंड चलिए अभी मेरे पास गोल्ड काफी ज्यादा आ चुका है, आप जैसा कि देख ही सकते हो गोल्ड मतलब भरा भरा पड़ा है। तो मैं एक कैनन को अपग्रेड करने वाला हूँ, 90 लाख ये लेगा, तो 90 लाख दे देते हैं। एंड एक कैनन को भी अपन ने अपग्रेड पे वापस से लगा दिया। अब मेरे को केवल गाइस एक लास्ट कैनन अपग्रेड करना बाकी रहेगी, बाकी सारी कैनन मेरी मैक्स हो चुकी है, जो और बाकी 3 कैनन ऑन अपग्रेड है। एंड 3 कैनन एंड डबल आर्चर टावर ऑन अपग्रेड आप चल ही रहे देख ही सकते हो। एंड अब मैं ये कलेक्ट कर लेता हूँ जो बचा है गोल्ड। एंड काफी दिनों से मेरा एलिक्सर स्टोरेज वगैरह भरे हुए थे, एंड मैं बस डार्क एलिक्सर खर्च करना चाहता था, क्योंकि डार्क एलिक्सर मेरे को वापस से फार्म करना है। बस किंग का एक लेवल और अप करना है, जैसे ही अभी नेक्स्ट CWL आएगा या फिर और कोई भी बुक ऑफ हीरो का इवेंट आएगा, क्लैन गेम आएंगे, तो किंग को मैक्स कर लूंगा, देन मेरे को फोकस केवल वार्डन पे करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ रोड टू मैक्स एपिसोड ये आपको अच्छी लग रही होगी सीरीज, एपिसोड नंबर 5 मैंने शूट किया है। एंड काफी हद तक अपन ने किंग का लेवल अप किया है, एंड काफी जल्दी जल्दी मैं मैक्स कर रहा हूँ अपने TH11 को, तो करते देखते और कितना टाइम लगता है अपन को TH11 पे मैक्स आउट करने में। तो वॉल्स भी मैक्स करके हीरोज तो हो ही गए, ऑलमोस्ट 1 लेवल और बढ़ाना है किंग को, एंड वार्डन को 10 लेवल अप करना है, तो 11 लेवल अप और करने हैं हीरोज। सो हीरोज को अप करने में मेरे को बहुत टाइम लगता है, सो हीरोज एक मैटर रहता है। तो हीरोज को ये मैंने सबसे पहले जल्दी जल्दी अपग्रेड कर लिया। एंड मैंने आज ही गाइज मेरा ड्रैगन को लेवल 6 के लिए अपडेट पे लगा दिया था, मेरा जो वॉल ब्रेकर था वो हो चुका था मैक्स, तो मैंने सोचा अब ड्रैगन को कर लेते हैं। एंड इलिक्सर के अब मेरे पास केवल 3 ट्रूप रह गए, एक बारबेलियन, एक जाइंट, एक अपना बेबी ड्रैगन, बाकी सारे ट्रूप मैक्स हो चुके। फिर मेरे को जब तक मैंने हीरो पे फोकस कर लिया था, तो यहाँ पर मैंने डार्क लिक्सर ट्रूप मैक्स नहीं करे, देन अब मैं डार्क लिक्सर ट्रूप पे फोकस करूंगा, बिकॉज हीरोज यहाँ पर एक लेवल अप करना है, तो इतना कोई इशू नहीं है। कितना मांग रहा है? केवल 1,97,000। तो होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कैसे आप प्ले कर सकते हो मेरे जैसे, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।